بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الاول والاخر والظاهر والباطن والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواهنا وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوز وقال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما. إنما خرجت لطلب إسلاه في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات.

रसालत की उजरत के तौर पर कुरबा की मवदत को मांगा लेकिन आपकी आल को कभी क़़द किया गया कभी जिला वतन किया गया बाज़ारों दरबारों में फिराया गया क़त्ल किया गया सरों को तन से जुदा किया गया और अशरफ अशरफुलम्बिया के सीने पे सोने वाले हुसैन के लाशे को पामाल किया इन्हीं चीज़ों को बयान करने के लिए है आज़ादारी इमाम हुसैन तमाम दुनिया में इस वक्त हमेशा की तरह बहसें शुरू हो जाती हैं कि तुम आज़ादारी क्यों करते हो हम सबको सवाल करना चाहिए कि अगर तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को मानते हो नबी मानने में बहुत कुछ माना जा सकता है क्योंकि उनके आइडियल के हिसाब से जब रसूल हजर और हज़ियान और बकवास कर सकते हैं माजल्ला तो फिर वो मानना मानना नहीं है मानने से मुराद ये है नबी और ऐसा नबी कि जिसका क़ोल क़ल खुदा है ऐसा नबी कि जिसका अमल अमल खुदा है वो मानने की बात हो रही है तो अब अगर उन्हें नबी मानते हो और उनकी आल को मार दिया गया तो बेशक नोहे ना पढ़ो अगर नहीं सही समझते मातम ना करो लेकिन बेलाखिर अफसोस तो करो तो ये सवाल कि शिया आजादारी क्यों करते हैं तो हमें पूछना चाहिए तुम क्यों नहीं करते हो बेशक ख़ास चीज़ें ना करो लेकिन अहल सलाम का जिक्र करो और उनका सोग मनाओ लेकिन हम ये देखते हैं कि अहल बैत के दिफा करने के बजाय अहल बैत पे जुल्म करने वालों का दिफा ज़्यादा होता है हता उम्र साद जैसों का कि, जि कि जिसके बारे में एक जानब सराहत की जाती है कि वो इमाम हुसैन के कातिलों में से है और दूसरी जानब उसको ताबे कह के रिवायतें ली जाती हैं और सिका कहा जाता है और फिर ये कहते हैं कि जी शिव ने मार दिया तो उम्र सात क्या शिया था हम तो लानत भेजते हैं उसके ऊपर जवाब उन्हें देना होगा जो उसको ताबे या सिका या रजियाल्ला लिखें जवाब हमें नहीं देना होगा हम तो जो रसूल अले रसूल के मुकाबले में आया जिस एतबार से भी आया उस पर लानत भेजते हैं अल्लाह सुबहाना ताल की तमाम मलाइका की तमाम अम्बिया की तमाम ओसिया की तमाम मोमिन जन्न इंस की लानत हो ने मोहम्मद व अल मोहम्मद पर और अल्लाह सुबहाना वाल तमाम मलायका तमाम अंबिया तमाम ओसिया और तमाम मोमिन जिनका दूरूदो सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर मौला आमिरलमिन की जो असल फजीलत है जिसकी जानिब कल भी तवज्जो दिलाई वो इस दुनिया में आने से पहले भी अशरफुल अंबिया के साथ कुर्ब है इस दुनिया में आने के बाद भी अंबिया के साथ कुर्ब है और जो सबसे अहम चीज़ है वो है उनका इल्म अब आज से क्योंकि तबरक़ा का भी सिलसिला होगा तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद अपने आप को मॉडर्न समझती है और फिर अटैक करती है और मजलिस का हदफ़ यह है कि जहाँ से भी हमले हो रहे हों जहां से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हों तो वहाँ पर उसको रोकना है तो कुछ हमारा मौजुअ गुफ्तु बिलाशक हज़रत और इमाम हसन अलाम के बाकी फ़र्जंदों के बारे में गुफ्तु होगी हमारे इतफाक़ से सारी दुनिया में मसाइब के दिन मन नहीं अच्छा काम है अब इसमें तो शक नहीं कि अभी तो किसी की भी शहादत नहीं हुई जो होगी दस को होगी लेकिन ईरान में इराक में तारीख़ें हैं कुछ हमारी और उनकी मुश्तरक हैं कुछ अलग हैं इसमें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता असल मौजू क्या होता है कि ख़ास हस्ती को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है लेकिन इसके माना ये नहीं होते भी दूसरों का ज़िक्र ना हो अब जैसे कि आप क्लम में है कि जब हज़रत मुसलिम अपने अकील काम ने जिक्र किया तो बाकी तीन और मौला अमीर मौला इमाम हुसैन के जो नुमाइंदे या ख़ ले जाने वाले या सफ़ीर थे उनका भी जिक्र किया लेकिन हमने क्लियर किया जो सबसे बुलंद मकाम था वो हज़रत मुस्लिम का था लेकिन उनकी बुलंदी मकाम के ये माना नहीं है कि जनाब सलेमान बिन अबी रजीन का जिक्र ना हो और अगर हो तो लोग कहें जी बोर हो गए या जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन यख्तर का जिक्र ना हो या जनाब हज़रत कैस बिन मुसहर सैदावी का ज़िक्र ना हो या जैसे कि हमने जिक्र किया कि कुछ रोज़ आशूर आखिर में शहीद हुए एक उनमें आखिर में आए जो आखिर में आए तो बाद में हमें महसूस हुआ कि शायद उनका हमने पूरा नाम नहीं लिया था तो जनाब सलमान बिन अबी रजीन के पैगाम पहुंचने के बाद जो बसरे से चले थे और फिर पहुंचे थे असर आशूर शहादत इमाम हुसैन के बाद और जिनके लिए इमाम आब्दीन आल्लम ने फरमाया था कि अहिल बैत के बाद जो सबसे शदीद मकतला किया है वो उन्होंने किया है और वो कब पहुंचे थे कि जब उन्होंने मजमा देखा और पूछा क्या हुआ तो लोगों ने बताया कि हुसैन ये हुसैन अबी अली को मार दिया तुम लोग कौन हो कि हम यजीद की फ़ौज के हैं ये क्या हो रहा है कि खैमे जलाए जा रहे हैं असीर किया जा रहा है तो उन्होंने तलवार निकाली और मारना शुरू किया तो उनका नाम हमें बाद में एहसास हुआ कि शायद हमने पूरा नहीं लिया तो आज हम जानबूझ के इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि उन नामों को हमारे जहन में कभी ना कभी आना चाहिए बेशक भूल जाएँ उनका नाम था हमने इबने मोहन्नत या मोहन्नत क्या के गुजर गए थे उनका जो असल नाम है वो है हफ हाफ हे गोल वाला दो चश्मी हफ हाफ हफ हाफ बिन मोहन्नद रासवी ये उनमें से हैं कि जो असरे आशूर सबसे आखिर में आए हैं कहाँ से बसरे से और फिर इसमें क्या इजाफा होगा कि इम हुसैन ने बहत्तर की फौज बनाई थी सुबह आशूर बत्तीस सवार चालीस प्यादे लेकिन शहदा की तादाद आहस्ता आहस्ता बढ़ गई थी ये कन्फ्यूजन कब पैदा होता है जब आप जाते हैं करबला में इमाम हुसैन अलसम की जियारत करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं गंजे शहीदा शौ, शौ, में सौ से ज़्यादा नाम है तो लोग कहते हैं ये कैसे तो ये बिल्कुल इसी तरह से है फिर इनमें नाम है किसके बसरा वालों के और कोफा में सौदा जो हुए उनके तो इस तरह से ये नाम बढ़ गए सलवाद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद एक वाकया कि जैसे को जब बयान किया जाता है तो बाज दफ़ा फिर ज़ाहिर दुश्मनों की जानव से प्रॉब्लम भी होते हैं हमारी रविश यह है कि जब जिस को बयान किया जाए तो ऐसे बयान किया जाए कि जो प्रॉब्लम जहन में आने वाले हैं सवाल आने वाले हैं जो कन्फ्यूजन्स आने वाली हैं उनका भी सत्य बाप किया जाए क्योंकि बात करके छोड़ दी जाए जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाए या बात करके छोड़ दी जाए जिससे अपने लोग परेशान हो जाएं इसी वजह से हम बाफ़ा कहते हैं कि बाद में अगर कोई मिलना चाहे उस चीज़ की जान तवज्जो दिलाना चाहे हमारी जो गुफ्तु है प्रेजेंटेशन है उसकी जान तवज्जो दिलाना चाहे या मिसाल के तौर पर क्या जो आपने रवायत पढ़ी थी उसमें यह कन्फ्यूजन हो रहा है इसको ज़रा दोबारा वाज बयान कर दें उस चीज़ को हम वाखन पसंद करते हैं वजह क्या है कि बज दफ़ा मुमकिन है कि हमने एक रवायत पढ़ दी हो और उसमें एक गलत सवाल जहन में आ रहा हो कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बेहतर है कि एक शख्स अगर कन्फ्यूज हुआ है तो वो हमें बता दे तो फिर हम और को भी बता देंगे कि वाकई तो अच्छी बात हुई कि ऐसा गलत हमने अगर कह दिया या समझ में नहीं आया मौला आमिर अशरफुलंबिया के कुर्ब का जो एक जलवा नजर आता है वो मैराज में नजर आता है अलबत् जहन में रहे कि मराज के बारे में जो हमारे अकीदे हैं वो वो नहीं हैं जो हमारे दीगर मजाहब इस्लामी के हैं कि वो सोते रह गए रूह चली गई ना हमारा अकीदा है रूह और जिसम दोनों की महराज है जिसे कहा जाता है कलाम में महराज जिसमानी ना कि ख्वाब की महराज ये ख्वाब की महराज वाला भी जो है तो यशरफुलंबिया के एक सोजा और माविया और बास दीगर लोगों से हुआ है ताकि इस महराज की हैसियत को कम किया जाए जैसे आज आप देखते हैं सब कुछ होता है ये आज वो लोग जो योम रसूल अल्लाह को मना करते हैं आपके ख्याल में अगर कल होते तो क्या करते ये वही थे जो रिवायतों पे पाबंदी लगाते इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे ये वही थे आले रसूल को मारते आज जो इमाम हुसैन के जिक्र में पथराव कर सकता है वो कल इमाम वो पथराव कर रहा होता और कल की तरह दोबारा तजुर दें नौजवानों से कि इबादत समझ के आज़ादारी इमाम हुसैन जो दुनिया भर में है उसकी वीडियोस छोटी करके व्हाट्सएप पर टिकट पर जो जो जितने सोशल मीडिया हैं इन पर फैलाएँ इनको दो चार दिन में इसको इबादत समझें ताकि दुश्मन को पता चले कि ज़िक्र इमाम हुसैन वो दबा नहीं सकता ये दोबारा हम तकरार कर रहे हैं कि इसको इबादत समझ के करें इसको सोशल मीडिया पे बैठना समझ के ना करें इबादत समझ के करें अपने लिए जो आप बैठते हैं फेसबुक पर और दूसरे मीडिया पर उस वो अलग मामला है ये इमाम हुसैन के लिए बैठे इमाम जमानाम को ज़्याार उनकी ज़ियारत करें असलम याम या साहब जमान मैं आपके और आपके जद की नुसरत के लिए इस वक्त बैठ रहा हूँ फेसबुक पर मैं इस वक्त बैठ रहा हूँ उसको कम्प्रेस कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर यह फिर कंप्यूटर में फ़ाइल भी कम्प्रेस करना स्वाब है कि जितनी देर आप ये काम करेंगे ये इमाम जमान असलम से आपके राबते को मज़बूत करेगा इमाम ज़बान से रबता जो है फ़त दुआन उतबा से नहीं होता उनके जद के लिए जब आप एक वीडियो बनाएंगे उसको कंप्रेस करेंगे उसको छोटा सा छोटा लाइट से लाइट करेंगे कि एक बनाता है मिसाल के तौर पर इतने एम जी का आप कह नहीं मैं इससे भी छोटा कर दूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि डेटा घबराने से इंडिया पाकिस्तान में फ़ाइल ना खुल पाए ये ना हो जो जितनी खिदमत करेगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा यह आपको दुनिया को बताना होगा कि जिक्र हुसैन ना कम हुआ ना होगा तुम्हारे बाप दादा तुमसे ज्यादा पावरफुल थे तुमसे ज्यादा हबीस थे लेकिन जिक्र हुसैन खत्म ना हुआ ना होगा दुश्मन के मॉरल को डाउन करना खुद वाजिबात में से है जबकि आप देखेंगे मुनाफिकों का किरदार क्या था कि खैबर में और खंदक में मुसलमानों के मॉरल को डाउन करते थे क्योंकि मुनाफिक थे डरते भी थे डराते भी थे असल काम मजम्मत वाला डरना नहीं था असल की जो बुराई थी ये डराते थे मुसलमानों को क्योंकि मुनाफिक थे बस मोमिन की जिम्मेदारी ये है कि मोमिन के मॉरल को हाई करें और आज ये मॉरल हाई हो गए जदय टेक्नोलॉजीज की वजह से तो मौला अमीरमिन और अंबिया का जो ख़ास ताल्लुक था वह हत्या मराज में भी था लिहाजा मराज के एक मौजू को हम डिस्कस करते हैं और वो मौजू क्या है पहले अख्तसार के साथ बयान करें फिर तफसील के साथ और जो उसके इर्द गिर्द एतराज जहन में आ सकते हैं उसको बयान करें कि सुबहाना व ताल की जानब से जब निदा आई अशरफ अलम्बिया वसलम को तो वो आवाज़ थी वह मौला अमिरम्न की थी यह है असल मौजू यह असल रिवायत है अब हम इसको इतना पढ़ के चले जाएँ काफ़ी है जो मजलिस का हमारे तरीक़ा है लेकिन इसके बाद अब दर्जनों सवाल जहन में आ सकते हैं लिहाजा पहली बात यह कि अल्लाह सुबहाना ताल की कोई आवाज़ नहीं है जो हमारे यहाँ बहस है कि अल्लाह की कोई अपनी आवाज़ नहीं है बल्कि अल्लाह आवाज़ को हल्क़ फरमाता है कि जिसकी एक मिसाल दी जाती है कि जब हज़रत मूसा सलाम गए दरख्त के पास जब बयाबान में थे तो दरख्त से आवाज़ आई थी इन्नी अमल लेकिन वो आवाज अल्लाह की नहीं थी उसके बारे में कलाम में यह कि अल्लाह सुबहाना तला ने आवाज हल्क की तो थी लेकिन जब उनसे बात की फर्ज करें कि हिब्रू में बात की या अशरफुलंबिया से अरबी में बात की तो वह आवाज जो है अल्लाह की अपनी तो नहीं थी अल्लाह सुबहाना तला ने खल्फ फरमाई लेकिन वो आवाज इंसान जैसी थी कि नहीं थी इंसान जैसी थी अब वो आवाज किसी भी इंसान की हो सकती है कि नहीं हो सकती हम यह फर्ज कर लेते हैं कि मौला आमिरम्न की आवाज नहीं थी बाबा जब इंसान की आवाज है किसी भी इंसान की तो होगी इस वक्त के सात अरब में से किसी से मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी फर्ज की बात तो क्या शिरक हो जाएगा शिरक इसमें कहां से आया शर्क कहां से आया इसमें तो पहली बात यह है कि अल्लाह की अपनी कोई आवाज़ नहीं है अल्लाह सुबहाना तैाल आवाज़ का खालिक है अब जो असल रिवायत है वो आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं कि किसो रसूल सल्ला वसलम बेअ्य वसल्लम का रब्ब का लई लतल माराज कि अल्लाह सुबहाना ताल तो ने आपसे किस लहजे में या किस आवाज़ में या किस लगत में, में बात की नॉर्मल सा सवाल है बाखन सवाल तो हो सकता है जब अशरफ अशरफुलम्बिया फरमाएंगे कि अल्लाह ने मुझसे यह फरमाया तो फरमाने के बाद हक़ हाँ है पूछने का कि नहीं है कॉले रसूल ल्ला वाले वाले खाते बनी बेलोगात अली तालब सुबहाना तला नेबन अबी तालब के लहजे में मुझसे बात की या अली एक नारा पाकिस्तान में लगता है लगता हम ऐसा नहीं है कि ये चाह रहे हैं कि हमारे बयान करने को नहीं है तो नारे लगें लेकिन नारे होने चाहिए एक लगता है जो है हसनैन का बाबा अली अली जहरा का शौहर अली अली इस तरतीब के साथ कोई है तो लगाए लेकिन उनमें तो लगा उन इजाफा करे सिद्दीक अकबर अली अली फ़ारूक़ आज़म अली अली है किसी में दम तो लगाए शलवाद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी चले हम लगा देते हैं कोई बच्चा लगाए प्रैक्टिस होगी सिद्दीक अकबर फारूक आजम वसी रसूल फात है खैबर फातह हुनैन अब अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो एक बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि नारा लगाने के लिए भी महारत चाहिए हाँ हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है तो अब अगर कोई आपके यहाँ अच्छा नारा कभी लगाए तो ऐसे करके क्यों करके हमारे लोग देखते हैं जो अपने आप को समझ रहे होते हैं मैं बहुत कुछ सोफिस्टिकेटेड हूं ये कोई बात नहीं होती हाँ कोई ऑफिस में बैठे बैठे नारा लगाए तो कहा जाएगा ये कोई तुक नहीं बनती थी ऑफिस में बैठे बैठे बस में चलते चलते लेकिन हर चीज़ की एक जगह होती है और बिलाशक अगर मजालिस में लगाया जाए कोई मुजायका नहीं है बल्कि अच्छी बात है सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद खाताब है नी बेलोगे अली की अपने अभी तालब अल्लाबहना ताला ने अली अपने अभी तालब के लहजे में गुफ्तु की तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कुल तो या रब्बे हातब तनी अम अली या अल्लाह तू खिताब कर रहा है मुझसे या अली फकाल यानी अल्लाह सुबहाना व तआला ने जवाब दिया या अहमद अना शय उन लैसा कल अशिया मुझ जैसा कोई नहीं है लैसा कम इसलिए लाओकासो बन्नास मेरा कोई मवजना किसी इंसान से नहीं है वलाऊ सफ़ो ब और कोई मेरी सफ़ात में जो है शुबा नहीं हो सकता खलक़ तो का मूरी मैंने तुम्हें खल किया है अपने नूर से व खल तो अली गैन मूर का और अली को खल किया है मैंने तुम्हारे नूर से फ़त् शरायर कल्ब का और मुझे इलम है कि तुम्हारे दिल की गहराइयों में क्या है शराय कल्ब का दिल की गहराइयों में फ़ल अज फ़ी कल्ब का अहब्बली का मिन अली तो मैंने तुम्हारे दिल की गहराइयों में अली से ज़्यादा किसी को महबूब नहीं पाया फातब तो का बेलिसान नहीं, बस मैंने अली की जबान में तुमसे गुफ्तगु की कई माँ यत्म कल्बों का ताकि तुम्हारे कल्ब को इतमान हो अब आप तस्वर करें कि महराज में अल्लाह सुबहाना हुआ की जानब से दावत है अलबत् महराज का जो तोहफा है वो जनाब सैदा के नूर की सूरत में है और जो दिल की गहराइयों में इश्क है अशरफुलंबिया के वो किसका है अली अबिनी तालिब का और अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने उस मोहब्बत की वजह से अशरफुलंबिया से जब खिताब किया तो मौला अमीरम्न की जबान में किया या कि फिर यहाँ पर कोई एतराज करने वाला कह जी गलू कर दिया तो कहा जाएगा कि तुम बता दो किसकी आवाज़ वही तो आवाज़ होगी इसमें गुलू कहाँ से हो गया और यह वाली बीमारी इस वक्त हमारे यहां भी आ चुकी है अब यहां पर याद रखें कि अगर कोई यह कहे कि अशरफुलंबिया या आय लहम्सा सलाम के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ नहीं है या अल्लाह दे के खुद रिटायर हो गया है जिसको कहा जाता है तफवीज कि अल्लाह ने दे दिया है अब उसके पास कुछ नहीं है दे के वो हट गया है ये तफवीज़ है और ये भी बातिल है और ऐसा हमारे कोई नहीं सोचता और ना कोई यह सोचता है कि जो इनके पास है अपना है हम में से कौन ऐसा है जो ये सोचता होगा कि अशरफ अशरफुलंबिया को अल्लाह ने खल नहीं किया है कोई ऐसा कौन ऐसा है जो ये सोचता होगा मौला अमिरन को अल्लाह ने खल नहीं किया कौन ऐसा है जो सोचता होगा कि मासूमिन के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया नहीं है इनका अपना है हम तो हर वक्त कहते हैं कि अल्लाह सुबाना व ने खल किया अल्लाह सुबाना व तौला ने इनको इख्तियार किया अल्लाह सुबाना व तौला ने इनके मकाम से नवाजा और जो इनकी असल मार्फत है वो यही है इनका जो मकाम है कि ये अल्लाह से करीब हैं अल्लाह की इबादत करते हैं क्योंकि अल्लाह की सबसे ज्यादा इनको मार्फत है तो अब अगर इस तरह से सोचा जाए तो कहीं पर भी कोई ना गुलू है ना कोई बुराई है इसमें कुछ नहीं है जो भी कुछ तस्वुर किया जाए और कहा जाए कि सब अल्लाह का इनके पास दिया हुआ है सही है कोई शर्क नहीं है किसका दिया हुआ अल्लाह का दिया हुआ है किस तरह से करते हैं अल्लाह के जन से करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि अल्लाह से करीब हैं अल्लाह का दिया हुआ है विलायत है इनके पास अल्लाह की दीवी है उस विलायत के जरिए से क्या क्या कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कैसे बेजन और ये एन तोहहीद है बाकी जितने शुभहात आते हैं चाहे वो हमारे यहां से कोई करे और चाहे बाहर से करे तो वो टेस्ट किया जाता है कि आयमा के फजाइल के बारे में इसको बदहजमी हो रही है कि नहीं हो रही है अगर बदहजमी हो रही है तो फिर इनके अकीदे को तदरीजन खराब किया जाए जैसे कि हमारे यहां फर्द ने कहा कि हजरत आदम मासूम नहीं थे वो क्यों टेस्ट किया जाता है बखौल आयतुल्ला बहलोल के, के जो शाह के बाप के ज़माने में तकरीरें भी की थी उन्होंने ख़ुद कहा कि एक जगह एक कब्रस्तान में से रोड बनानी थी ईरान के किसी शहर में तो शाह के आदमियों ने पहले कब्रों को तोड़ना शुरू किया एक को तोड़ा दो को तोड़ा कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता ऐसा-ऐसा तोड़ के छोड़ दिया उसके बाद उसको बना दी तो हर कौम को देखा जाता है कुछ होता है कि नहीं होता है और अगर आपको तो कहीं महसूस हो रहा हो इन्हराफ आ रहा है और आप उस पर मुतमिन हो गए तो इसका मतलब है अब दूसरा काम होगा हजरत आदम के बाद नौबत आएगी अशरफो लंबिया तक और फिर उसके बाद कह दिया जाएगा कि जी वो तो अगर मासूम थे तो वो माजल्ला किस में थे सिर्फ कुरान में जबकि आपको ताजुब होगा वो बाज लोग उसमें भी नहीं समझते वजह क्या है कि उनको मानना है अंबिया से ज्यादा उस आदमी को जो कौल रसूल को हजरों हिजियानो बकवास कह रहा था बिलाखिर उस आदमी का तो कुछ करना है ना तो अब उसको छोड़ें या रसूल अल्लाह को नीचे ले आए तो वहां यह पॉलिसी चलती है कि जिन अफराद ने गलतियां की हैं उनकी गलती को जस्टिफाई करने के लिए रसूल अल्लाह को नीचे ले आओ मिसाल के तौर पर अबासावत सा कि जब एक नाबीने को देख के एक शख्स ने मुंह बनाया और चेहरा मोड़ लिया तो हम यह कहते हैं कि यह असाब में से एक साहब थे आपको ताज्जुब होगा खुद हमारी बात हुई बात से किसी और की नहीं खुद हमारी तो उस मजहब के बजत थे कि यह रसूल अल्लाह हमने कहा नहीं रसूल अल्लाह नहीं है वो है ये कहने लगे आप असाब के दुश्मन हैं कहने लगे कैसे हो सकता है जो रसूल की तरबियत में रहें वो ऐसा करें हाँ ये कैसे हो सकता है रसूल की तरबियत में ऐस, रहे हो और ऐसा करें तो तुम तो रसूल को खराब कर रहे हो तो याद रखें कि हमारे यहां और दूसरी जगह एक बड़ा मसला है हम अफराद को कुर्बान कर सकते हैं अशरफुलंबिया पर अशरफुलंबिया को कुर्बान नहीं करते अफराद पर दो दो मिनट तीन तीन मिनट या दो दो साल देखने वालों पर और ये एक बहुत बड़ा फर्क है और यही वजह है कि इस वक्त तोहीन रसाल से जो किताबें भरी हुई हैं बाज़ बाब इस्लामी की भरी हैं कि जिनमें से अभी एक ही जलवा नजर आया इंडिया में अभी ये मीडिया पर आया है याद रखें और डरना चाहिए इससे कि अगले मरहले में इनके हवालों के साथ कैरी कैचर बने कि अल्लाह ना करे ऐसा हो लेकिन ऐसा होगा क्यों कि जब ये मारने की बात करेंगे ना अपनी ही किताबें में गंद भरा हुआ है और हर किसी का सर तन से जुदा करने की बात करते हो दूसरा आदमी फिर और उल्टा काम करेगा जबकि होना यह चाहिए कि इंसान सीधी सीधी डिबेट करे, करे जब सारी दुनिया को तुम तो मारने की बात करोगे तो फिर तो 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 दुनिया क्या पागल है तो ये जितना शोर दिखा रहे हैं शिद्दत दिखा रहे हैं इसके बाद इतना ही मामला खराब होगा सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अब मौला आमिरम्निन की कुछ कजावतों को इंशाला बयान करेंगे क्योंकि अंबिया के सही जानशीन की जो सही मार्फत होगी वो उनके मोजात से विलायत से और फिर उनके इल्म से गो के और हज़ारों चीज़ें भी हैं फजीलतें मौलान ममिनिनी की ख़ाली ये दो तीन फजीलतें नहीं हैं लेकिन पहले हम कुछ जिक्र करें आज़ादारी के बारे में क्योंकि बाज़ वो लोग जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और बाज़ दफ़ा जहन में चीज़ें आती हैं और जो ग़लत ख़याल हैं फिर उनका कहीं ना कहीं से जवाब भी आना चाहिए अब उनमें से एक मौजूद आता है मिसाल के तौर पर आज के हवाले से बात करें हज़रत कसम की शादी के बारे में जरत कासिम की शादी हम भी नहीं पढ़ते तारीख में दोनों तरह से है ज्यादा मशहूर यही है कि नहीं हुई थी ठीक लेकिन बिलाखिर है भी कि हुई थी अब अगर ये कहा जाए कि जी हजरत कासिम की शादी का जिक्र करके हर साल करेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है अगर शादी के जिसका जिक्र बिलाखिर रवायात में है वो शादी है कोई माजरत माजल्ला माजल्ला कोई हराम काम की नस्बत तो नहीं है अगर कोई हराम काम की नस्बत देता हजरत कासिम को तो फिर कहा जाता करेक्टर एसोसिनेशन शादी का कौल है बिला शक अब यह शादी किससे है बाद जगह बयान हुआ कि इमाम हुसैन की साहबजादी थी जुबैदा उनसे है बिलाखिर है कुछ ना कुछ अब यहाँ पर हमें देखना है कि़ल कराम और महाराजे क्या फरमाते हैं इस मेहंदी के बारे में लेकिन उसमें अतदाल होना चाहिए ऐसी कैफियत ना हो कि फिर हज़रत कासम के नाम पर या हज़रत शगरा के नाम पर जो है वो बिल्कुल हमारी आपकी शादियों की तरह मेहंदियाँ होने लगें ना वो मेहंदी हो हुसन व मलाल के लिए आयतल बजरत का फतवा है कोई हर्ज नहीं है आगा ख़ामाई का फतवा है कोई हर्ज नहीं है इसी तरह से आगा सिस्तानी बुजुर्गान अक्सर महाराज का फतवा है कि अगर यह चीज हुसनो मलाल के लिए है कोई हर्ज नहीं है अब हम आपको तवज्जो दिलाएं आजादारी में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं यह हैं दर हकीकत इनके पीछे खास बैकग्राउंड है पिछले साल भी हमने डिस्कस किया अभी भी करें क्यों कि हमारे यहां नसीहत के उनवान से मॉडर्निज्म के उमवान से आजादारी से दूर करने के लिए प्री प्लान काम हो रहा है अब उनमें से मुगालता यह है कि जो कड़ा लोग पहन रहे हैं ये कड़ा इमाम हुसैन की सुन्नत है या यजीद की सुन्नत है मसलन। कितनी अट्रैक्ट करती है बात ये। ये जो आप जंजीर डाल रहे हैं ये इमाम हुसैन की सुन्नत है या यजीद की सुन्नत है अब ये बात बाज़ दफ़ा पढ़े लिखे लोगों को एकदम से शौक लगाती है जबकि बिल्कुल गलत है सौ फीसद गलत ऐतराज़ है ये यहाँ पे कहा जाएगा और फिर हम नौजवानों को मुखातब करें कि आज ही जाके या भी मजलिस के बाद भी या दरमियान भी अगर आप सर्च करें लिखें आज़ादारी इन तुर्की या मुहर्रम इन तुर्की तो आपको एक फ़ोटो नज़र आएगी तकरीबन हर हाल में नज़र आएगी तुर्की में वो क्या नज़र आएगी कि वहाँ पर ख़वातीन के माथे पर पट्टियाँ लगी होती हैं या जैनब की और पूरी पूरी हथकड़ियाँ कि इधर इधर और इतनी इतनी जंजीरें उसमें होती हैं और तमाम ख़वात वो जंजीरें पहनी होती हैं अब यहाँ पर याद रखें कि ये जो चीज़ है या पाकिस्तान में अगर कोई जंजीर डालता है या कड़ा डालता है हम नहीं कह रहे कि ये वाजिब है ना लेकिन एक एतबार से अगर तवज्जो दिलाई जाए इसके ज़रिए से इमाम हुसैन की और हरम रसूल अल्लाह की मजलूमियत की तो फिर ये काम बिलाशक बेहतरीन है बेहतरीन है अब यहां पे ये नहीं कहा जाएगा ये तो जंजीरें डाली थी यजीदियों ने हाँ ये बात कब कही जाएगी हम अगर किसी की हम अगर किसी के जंजीरें डालें हम अगर हम खुद किसी के जंजीरें डालें और उन पर जुल्म करें उनके गले में तोख डालें हाथों में हथकड़ियां डालें उनकी औरतों को बांधें तो यहां पर आप कहेंगे ये काम अहले बैत के नहीं है यह काम बनो के और किसके यजीद के माविया के यहां पे कहा जाएगा लेकिन अगर हरम रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह की बेटियों की मजलूमियत को उजागर करने के लिए आप बता रहे हैं कि ऐसे उनको बांधा गया था तो फिर यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि यह सुनत इमाम हुसैन है या सुनत हजरत जैनब है यह सुनत अजीज है यहां पर कहा जाएगा कि ये रसूल की आल की मजलूमियत को बयान करने के लिए काम किया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आ जाता है एक और मौजूद कि जी फलानी चीज से हमें तो रिक्कत नहीं हुई आपको नहीं हुई तो नहीं हुई आपसे कहा किसने आप, किस आप रोए तबरुक में शर्त रोना या रिक्कत नहीं है यह भी आपको क्लियर कर दें जितनी भी ये चीजें हैं इनके पीछे असल यह है कि वाक करबला से रिलेटेड किसी चीज की याद को ताजा करना मिसाल के तौर पर ईरान में और तुर्क इलाकों में वहां पर एक रस्म होती है जिसको कहते हैं तश्त गर्दानी तश्त तश्त किसे कहते हैं हम लोग टब बड़े बड़े थाल उनमें पानी डाला जाता है क्यों डाला जाता है असल क्या जरूरत है टंकी होने के बाद और जग होने के बाद तश्त में पानी डालने की कोई है ज़रूरत यानी जिस कौम के पास इतने जग हैं जिस कौम के पास इतने वाटर कूलर हों या जिसका इनके पास टंकियां हों तो उस खास दिन में जो है वो इस तरह तशलों में पानी वो कहते हैं ये हम याद ताज़ा कर रहे हैं किसकी कि जब इमाम हुसैन ने पूरी यजीद की फ़ौज को पानी दिया था और जानवरों तक को तश्तों में पानी रख रख के दिया था बुराई है इसके लिए क़ुरान की हदीस चाहिए वो कुरान की आयत चाहिए कहा जाएगा वाकई करबला की एक चीज़ इससे बयान हो रही है बड़ी अच्छी बात है बस कोई जंजीर हो कड़ी हो कुछ भी हो अच्छी चीज़ हो अच्छी चीज से क्या मुराद करना चाह रहा है अच्छी बात है। ईरान में खैमे जलाए जाते हैं और आप देखें वो जब जलते हुए खैमे जिस पर जलाए जाते हैं ना जब हमने पहली दफा देखे तो एहसास हुआ कि ऐसा था आशूरा बाकायदा खैमे लगाए जाते हैं और कुछ लोग जो बुरख़ा पहने हुए होते हैं वो उनमें से बाकायदा भाग रहे होते हैं इसको कहा जाता है शबी खानी शबी खानी मुख्तलिफ़ अकसाम की होती है जैसे आज फिल्म है, ड्रामे हैं ये बुरे हैं अच्छी बात है अगर कर करबला पता चल रही है स्टेज हो बुरी बात है अच्छी बात है क्या कर करबला पता चल रही है ओपरा हो यूरोप अमेरिका में नौजवान बाज ओपरा में करें माम हुसैन का जिक्र बुराई है बहुत अच्छी बात है ईरान में बिल्कुल वैसे ही होती है शबी ख़ानी इराक़ में होती है लुबनान में होती है बहरीन में होती है कोत में होती है उसमें क्या होता है उसमें इमाम हुसैन से रिलेटेड किसी भी वाक़े की एक तस्वीर मंजर कशी की जा रही होती है वही रिकॉर्ड हो जाए तो फिल्म और ड्रामा हो जाता है कोई बुराई नहीं है इसमें इसमें हमारे तमाम महाराजे का फतवा है याद रखें तमाम महाराजे का कि अगर इससे इमाम हुसैन की मजलूमियत तो करबला का कोई पहलू उजागर होता है बेशर्त यह कि तोहन ना हो तो ये काम अच्छा है तो वहाँ खैमे जलाए जाते हैं बाकायदा घोड़े दौड़ते हैं फिर उसके बाद खैमों के पास से बाज बच्चे के जिनको बुरख़े पहनाए हुए होते हैं वो भाग रहे होते हैं उन पर एक ताजियाने मारते हुए दिखाते हैं तो अब यहाँ ये कहा जाएगा कि खैमे जलाना यजीदियों काम था तुम क्यों खैमे जला रहे हो ना यहाँ पे यह नहीं कहा जाएगा कहा जाएगा कि यहाँ पर हम रसूल की आल के रसूल के जब हरम जलाए जा रहे थे उसकी मंजर कशी कर रहे हैं हम दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब जैनब और जनाब उमसूम और रसूल के हरम को इसके के खेमों को इस तरह से जलाया गया था हाँ अगर हम किसी के घर जाके जला रहे हो तो फिर यहां पर कहा जाएगा कि घर जलाना अहल बैत की सुन्नत नहीं है ये यजीदियों की सुन्नत है बिल्कुल इसी तरह से इंशाला बाज और तबरुक का जिक्र करेंगे कि उनमें एक बैलेंस भी होना चाहिए और डिसेंट तरीके से काम हो और कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे दुश्मन को मजाक बनाने का मौका मिले लेकिन उसकी लॉजिक हमें बतानी होगी और उसको समझाने के लिए हम हमेशा तवज्जो दिलाते हैं कि याद रखें पूरा हज हज में आप जानते हैं पढ़ने की क्या चीज है सिर्फ एक तलबिया है कि जो मुहरम होने के लिए करना है सिर्फ एक पढ़ने की चीज़ है एक और दो दफा दो नमाजें हैं जो तवाफ की वाजिब नमाजें दो दो रकत बाकी पढ़ने का कुछ नहीं है याद रखें आप तवाफ़ आपको करना है शर्त के साथ करना है कि गौसल हो वजू हो कंधा खाने काबा की जाने वो इधर से शुरू करना है और इसी पे आके सातवां हिस्सा मुकम्मल कर लेना है बार मोहम्मद मोहम्मद सलवार जरा सलवार पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाए बार मोहम्मद मोहम्मद सलवार नारे दरी माशाल्लाह माशाल्लाह। बारे दीगर नारे सलवार बस दो चीजें वहां पर पढ़ने की एक तलबिया एक नमाज नमाज जो है एक नहीं है दो हैं लेकिन नमाज को से सो अकाउंट किया जाएगा और बाकी जो पूरा हज है वो हज़रत इब्राहिम हजरत, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा के अमल की तकरार है और याद दिलाना है रह गया मामला यह कि जी आजादारी की वजह से किसी को तोहिन महसूस हो रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको लॉजिकली डिस्कस करें ना कि खत्म करें आपके ख्याल में जो दुनिया इतना तवाफ करते हुए देखती है तो उससे वो कंफ्यूज नहीं होते सीधा सीधा एक वर्ड अभी हम आपसे पूछते हैं बैतुल्लाह के क्या माना है अल्लाह रहता है वहां माजल्ला याद रखें बैतुल्लाह के माना अल्लाह का घर है लेकिन यहां पर अल्लाह के घर से मुराद यह है कि वो बिल्डिंग जो अल्लाह की इबादत के लिए बनी है लेकिन जब आप चक्कर लगाते हैं तो दुनिया यह समझती है कि मुसलमान कायल हैं कि अल्लाह यहां रहता है अब आप चक्कर लगाना छोड़ेंगे तवाफ करना छोड़ेंगे उमरा करना छोड़ेंगे हज छोड़ेंगे या उनके गलत नजरिए को सही करेंगे डेंटिंग पेंटिंग आप ये बताइए कि जानवरों के ज़िबा करने पर पूरी दुनिया में कितना शोर उठता है ये मखसूस हज क्या ही आपने लेकिन आप जानते हैं इससे फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा यह है कि ईसाई और यहूदियों में ज़ोर लगाया जाता है कि ये जो कुरबानी हुई थी ये जनाब साख की हुई थी आज हर मुसलमान जाता है यह कुरबानी किसकी हुई थी हजरत इसमाइल की किसके ज़रिए से जानता है इस कुरबानी की वजह से इस अकीदे को बाकी रखने के लिए ये अरबों खरबों डॉलर खर्च होते हैं हर साल तो ये वेलफेयर का भी निकाल दें यहां से बाज दफा बाज काम होते हैं एक अकीदे को नजरिए को बचाने के लिए अब यहां पे सवाल करें कि हजरत इब्राहिम सलाम तो नबी थे उनके पास एक विलायत थी और बिलाशक उनके पत्थर में दम था कि वो शैतान को जब मारें तो वो वाहन जो है वो अल्लाह की जानब से एक शैतान पर मार थी लेकिन उसके लिए क्या बना दिया गया रमय जमरात के लिए पहले सुतून थे वो सुतून बढ़ के क्या हो गया है पूरी कंक्रीट दीवार हो गई है अच्छा इससे याद क्या ताजा होती है कि हजरत इब्राहिम को उस कुर्बानी से रोकने के लिए शैतान यहां यहां आया यही तो होती है अच्छा अब इस शैतान को पत्थर मारने को लोग लॉजिकली समझते हैं या लॉजिकल समझ रहे होते हैं सब इसको गलत समझ रहे होते हैं अब हम क्या करें रमी जमराज छोड़ दें हाथ छोड़ दें ना हमें इसकी लॉजिक बयान करनी होगी कि हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल कौन थे दो अम्बिया थे और हज़रत हाजराज जो नबी नहीं है एक नबी की माँ हैं नमाज पढ़ने के लिए क्या हुक्म है बततख मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला के मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह करार दो वो क्या चीज़ है उसमें क्या खसूसियत है थे? एक पत्थर था कि जिसपे खड़े होकर के खान काबा की तामीर की लेकिन ये इतना अहम है क्यों है शायर अल्लाह इससे अल्लाह याद आता है कुर्बानी के जानवर के लिए क्या बयान हुआ वलबुदना लकुम मिन शायर अल्लाह ये जो ऊंट है कुरबानी का ये शायर अल्लाह है अच्छा ऊंट जो है वो कुर्बानी का शायर अल्लाह हो सकता है इन सफ़ा वल मरवा में अल्लाह सफ़ा मरवा में क्या हुआ था हज़रत इब्राहिम ना हजरत इसमाइल ना बीबी हजरत सलाम्ल एक नबी की प्यास में परेशान होकर सात दफ़ा इधर से उधर गईं अब ये जाना कैसा था एक बुलंदी पे गई और ज़रा सा रुकी बिल्कुल लॉजिकल था ये जो लोग समझते हैं ऐसे ऐसे तेज़ी से भाग ली परेशान हो गए ना परेशान हो गए भागी लेकिन परेशान हो के लॉजिकल नहीं भागी परेशान हो के वो एक दफ़ा गई एक बुलंदी पे और जाके देखा दूर तक पूरा मंज़र उन्होंने देखा कोई काफिला गुजर रहा है जिससे पानी का कहा जा सके हाथ का इशारा दें कुछ करें ना कुछ नहीं था फिर यहाँ से तेज़ी से गई इस पर जाके देखा कोई इस तरफ़ वाले हिस्से में नज़र आ रहा है काफिला जाते हुए फिर देख लिया दूर दूर तक अब उनको अंदाज़ा है कि कोई करीब से गुजरेगा तो थोड़ी सी देर होगी फिर दौड़ के वहां पर गई कि अगर इस दौरान कोई आ चुका है यहां पर तो यहां वाले को मैं हाथ लाऊं और अगर इस दौरान वहां आ चुका है जल्दी जाके वहां हाथ लाऊं अल्लाह सुबहाना ताला को एक नबी की प्यास के लिए हजरत हाजरा सलाम्लहा का दौड़ना और परेशान होके दौड़ना और एक जगह पे जाकर स्पीड का बढ़ जाना इतना पसंद आया कि उस जगह पर आज भी स्पीड का बढ़ाना मुस्तहब है कि जहाँ लिखा होता है कि यहाँ हरवला करें तो पूरा हज जो है हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल हज़रत हज़र आल्लात की याद को ताज़ा करता है आजादारी में जितनी चीज़ें हैं हज की तरह वाजिब नहीं है लेकिन बिल्कुल लॉजिकल हैं और अगर इसे मॉडर्न आर्ट के तहत डिस्कस किया जाए तो ये एक हमारी कामयाबी की बात है कि आज जो लोग बाज़ सिम्बल्स को या लोगोस को या बाज़ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं हमने बहुत पहले अपने इमाम की मजलूमियत की याद को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल की हैं बात पड़े पर मोहम्मद वाले अब हमारे पास लोग इतने इल्म में आगे हो गए हैं इतने इल्म में आगे हो गए हैं इतने आगे बढ़ गए हैं कि 30-40 साल पहले वहावियों तक पहुंच गए हैं. कितने तीस चालीस साल पुराने भाभी नए भाभीियों की बात नहीं हो रही नए भाभीियों ने तो कहने नहीं छोड़ दिया है यानी अफसोस की बात है ये अब अगर यहां पे ना बोला जाए ना जो मौलवी मुल्ला नहीं बोलता वो खयानत करता है जब इन्हराफ हो तो वाजिब है बोलना चाहे गालियां क्यों ना पड़े आप पूरे सऊदी अरब में जाए वहां पर आपको खाने काबा के मॉडल मिलते हैं कि नहीं मिलते तो ये शिरक नहीं है अच्छा मस्जिद नबभी के मिलते हैं कि नहीं मिलते प्लास्टिक के मिलते हैं मेटल के मिलते हैं मेटल्स में सोने और चांदी के सनारों की दुकान में मिलते हैं कहता है कोई कि ये रखना हराम में है बिदत है पूछता है कोई कि खान काबा की शबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी या खलीफ अब्बलवम सिब्वम ने बनाई थी है दलील मस्जिद नबभी की शबी बनाना क़ुरान से साबित है कि शबी बनाओ प्लास्टिक की चाइना से बनवाओ है कुरान में हदीस में है वहाँ पर यही बात होती है ना कुरान में नहीं हदीस में नहीं और साहबा ने अमल नहीं किया हाँ तो खाने काबा की छवि बनाई कुरान में हुक्म है हदीस में है साहबा ने बनाई नहीं बनाई मस्जिद नबवी की बनाई नहीं बनाई और सबसे ज़्यादा जो छवि मिलती है वो आपको हर जगह मिलेगी वो किस चीज़ की मिलती है खाने काबा के दरवाजे की है क्या नहीं है अच्छा किसी से भी पूछें अब वो लोग तो सिलेंडर कर गए यानी जो हमारे दलाइल थे उसके हिसाब से वो मान गए हैं कि माख इसमें कोई बुराई नहीं है आप किसी से भी पूछें कि ये जो खाने काबा की और मस्जिद अल-नबवी की और खाने काबा के दरवाजे की शबी है चाहे उसमें अल्लाह का नाम ना लिखा हो फर्श करने उसको आप एहतराम की जगह पर रख के एहतराम देंगे या जूते के स्टैंड पर रखेंगे कहाँ रखेंगे माजल्ला चाहे उसमें बेशक आयत तो ना लिखी हो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके लिए आपके पास कोई आयत नहीं है कोई रिवायत नहीं है अमल या साब नहीं है तो फिर ये हमसे जो है ये जुलझने के बारे में और ताबूत के बारे में और अलम के बारे में और दर्जनों चीज के बारे में कहां से सारी चीजें मांगती हुए नतीजा है बोख रसूल आल रसूल का असल प्रॉब्लम यह है कि ये जो हुसैन की और आले रसूल की मजलूमियत बयान कर रहे हैं तो जब मजरूमियत बयान होती है तो ऑटोमेटिकली लोग कहते हैं जालिम कौन थे और जब जालिम की बात आती है तो हमेशा मैं एक शेर की जाने तवज्जो दिलाता हूं बड़े मजे का शेर है कि मगस को बाघ में जाने न देना ना देना कि नहा खूं होगा परवाने का आप जानते हैं इसके पीछे शायर की क्या लॉजिक है बड़ी डीप लॉजिक है शायर अलबत्ता दुश्मन अलवैत नहीं था लेकिन अब इसमें मेन आइडिया क्या है मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को ठीक है शहद की मक्खी को बाग में ना जाने देना अगर जाएगी तो क्या होगा परवाना मर जाएगा अभी क्यों मर जाएगा बाबा शहद की मक्खी पर आखिर खाए के ना खाए पिए के ना पिए लेकिन हाँ जब वो जाएगी तो मरना तो है फिर किसी को होगा क्या शहद की मक्खी जाएगी फूलों पे बैठेगी फूलों पे बैठेगी तो वो उसका जो रस लेगी अब रस तो उसने ले लिया चूस लिया वो कहाँ रखेगी उसके लिए वो पहले मोम का छत्ता बनाती है वहाँ जाके उसको स्टोर करेगी अब जब कोई छत्ता तोड़ेगा तो शहद को अलग करेगा मोम को अलग करेगा मोम की बनेगी मोमबत्ती जब मोमबत्ती बनेगी रात को जलेगी कि दिन में जलेगी ना रात को जलेगी जब रात को जलेगी तो हर तरफ तारीकी होगी जब ये एकदम से लाइट देखेगा परवाना तो क्या होगा उसकी जानब आएगा जैसी आएगा जल जाएगा तो शायर ने क्या कहा कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दो वरना फिर नाहक परवाना मारा जाएगा तो वहाँ तो परवाना बेचारा अलग मौजू है लेकिन हमारी आज़ादारी से जो मरता है वो परवाना नहीं वो बड़ा शैतान है वो परवाना तो बेचारा अगर उसको बचा लें आप कोई भी राइट वाइट बना लें परवाना राइट बना लें लेकिन दुश्मन अहिल बैत को कोई नहीं बचा सकता तो उनका सारा प्रॉब्लम यह है कि ये काला कपड़ा पहनने ही ना दो क्योंकि जहन में आएगा काला कपड़ा क्यों ये अलम लगने ना तो जहन में आएगा आलम क्यों ये सुलझना क्यों ये आलम क्यों ये ताबूत क्यों ये मातम क्यों ये नोहा क्यों ये मरसिया क्यों ये क्यों ये क्यों ये क्यों लेकिन इस सारे क्यों के पीछे जो पहले भी मैंने बयान किया कि अव्वल मुहर्रम में जनाब उमर की शहादत मनाई जा रही है वहां पर कोई क्यों नहीं है अट्ठारह जिलेज को जनाब उस्मान का जिक्र किया जा रहा है जबकि वो मारे गए थे बारह को और जनाब उमर मारे गए थे पच्चीस या छब्बीस को ठीक है अगर उनकी शहादत का दिन मनाना जायज है तो इनका क्यों नहीं है लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ यह है कि जब इनकी शहादत का दिन मनाया जाएगा तो फिर कातिल को पहचाना जाएगा और फिर वही वाला मौजू आएगा कातिल कभी मखतूल का मातम नहीं करते सलवाद पुणे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अब यहां पर देखें कि जिंदा और जावेद का मातम बाबा जिंदा और जावेद का मातम आप नहीं करते तो फिर ये आपके ज़िंदा जावेद हैं कि नहीं है ज़िंदा जावेद नहीं है तो आप फंस जाएंगे ज़िंदा जावेद मानेंगे तो फिर आप योम क्यों मना रहे हैं लेकिन असल में सारा मौजू जो है वो अहल बैत के जिक्र को ख़त्म करना है और हमारी जानब से जो सारा मौजू है कि हमें किसी ना किसी तरीके से अहल बैत का जिक्र हर हाल में करना है और अहले बैत के फज़ाइल भी बताने हैं अहले बैत के मसाइब भी बताने हैं और जब मसाइब बताने हैं तो जिन लोगों ने मसाइब ढाए हैं उनके चेहरों से नकाबें भी हटानी हैं और उन पर लानत भेजनी भी है और भिजवानी भी है बेशुमार। आज का दिन मंसूब है इमाम हसन असल्लाम के फर्जन जनाब हज़रत कासिम से वाक करबला में जनाब हजरत कासिम का जो ज्यादा जिक्र है वो जिक्र है उनके एक खास मकाम की वजह से क्योंकि वो कमसिन भी थे और अपने आप को इमामत पे से कुर्बान करने के लिए बेचैन थे सब बेचैन थे और फिर उनका जुमला कि जब इमाम ने सवाल किया कि अच्छा है बताओ कि मौत तुम्हारे लिए कैसी है तो वो ये जानते थे कि इमाम वक्त के लिए जो मौत है वो शहद से ज्यादा शीरीन है और क्योंकि वो तेरह साल के थे और वो तड़प रहे थे उस शीरीनी की लज्जत के लिए भूखे थे प्यासे थे क्योंकि ये जुमला शब आशूर का है वो मशलों को भी देख रहे थे नकारों की आवाज भी सुन रहे थे फौजियों की तादाद भी देख रहे थे और तलवारों को भी चमकता हुआ देख रहे थे और वो ये भी जानते थे कि किस तरह से मारा जाऊंगा और क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा इश्तियाक था और शदीद इश्तियाक था तो शायद अल्लाह सुबहाना तला ने इस कमसनी के बावजूद भी उनका एक शदीद इम्तिहान हुआ कि उनका जिसमे अथर भी पामाल हो गया मसाइब उनके बयान होंगे लेकिन साथ में उनके तो और भाइयों का भी जिक्र हो जाए अब कहा जाता है कि जी आप नाम नहीं लेते शौदाए करबला के क्योंकि उनमें अबू बकर भी नाम है कौन नहीं नाम लेता क्योंकि हमारे यहाँ दिन मन है उम्र नाम नहीं आ पाते, लेकिन हर मख्ल में नाम है वो ये समझते हैं कि जब अबू बकर नाम था हजरत कासिम के भाई का तो इसके माना ये है कि ये किसी से अच्छे ताल्लुकात की अलामत है तो पूछा जाएगा पाकिस्तान में जितने भी मोहम्मद अली हैं हमारे मोहम्मद अली एक्टर से मोहब्बत की अलामत की वजह से हैं और अमेरिका में जितने मोहम्मद अली हैं किले की वजह से हैं और अभी जितने भी जिया बैठे हैं जयाल्ह के रिश्तेदार हैं यानी जिसका भी हम नाम हमारे यहाँ जिया अभी भी मिलता है तो ये सब के सब हम जयाल्ह के जराइम से मोहब्बत करके नाम रखते हैं अपने बेटे का कि जी तुमने शियों पर पाबंदियाँ लगाईं तुमने शियों के लिए प्रॉब्लम करिएट किया तुमने मिसाल के तौर पर आका हुसैनी का जुर्म भी उस पर आता है तो लिहाजा हम आपके नाम पर नाम लिख रहे हैं तो हमारे इतने जो जिया हैं वो जराइम की तइद के तौर पर हैं ये नाम होते थे उस जमाने में शहदाय करबला में सिख रफा आए शद्दाद हैं क्योंकि तो शद्दाद के रिश्तेदार थे क्या जाबिर अबिन यजीद जौफ़ी यजीद नाम के खुश उदाय करबला में से हैं यह नाम वहाँ पर नॉर्मल था यजीद 64 में मारा गया जनाब जाबिर अबिन यजीद जौफ़ी जो हैं वो इमाम मोहम्मद बाखर इमाम जाफिर सदम सलाम के शागिद और असाब में से हैं यानी नाम चलते थे अब नवाज की वजह से नवाज शरीफ ख़त्म नहीं हो जाएगा या जुल्फार नाम जो है वो हमारे यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से नहीं रखा जा रहा ये नाम उमूमन होते थे लेकिन हम यहाँ से ना सवाल कर लें कि बाबा आप क्या अली क्यों नहीं था अगर ताल्लुकात इतने अच्छे थे तो ये क्या वजह थी कि अली नाम नहीं था ताल्लुका अच्छे दो तरफ से होते हैं ना तो अली नाम पर क्यों पाबंदी थी अली नाम के लोग क्यों मारे जा रहे थे और ये एक अहम तरीन तारीख़ का मौजूद उस ज़माने में अली नाम बहुत मुश्किल था तो इमाम हसन आमाम के एक फरजंद थे करबला में हज़रत कासम के जिनका फिर तफसील से मसाइ में जिक्र होगा एक थे जनाब अबू बकर वो हज़रत कासम से कुछ बड़े थे और एक थे जनाब हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला का कुछ जिक्र अब होगा और इमाम हुसैन की शहादत के वक्त होगा और कुछ जिक्र इशल जब हम बच्चों का जिक्र करेंगे जब होगा इमाम हुसैन की मजलूमियत का जो एक जलवा हजरत अली अजगर में नजर आता है एक शदीद जलवा इमाम हुसैन की मजलूमियत का नजर आता है अब्दुल्ला अबिन हसन में ये अब्दुल्ला अब्दुल्लाबन हसन जब इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर जुलझने से जमीन पर आ चुके हैं हर जानब से घिराव हो चुका है और अब इमाम पर तलवार चलने वाली है तो इमाम हसन के एक फर्जान जो तकरीबन उस वक्त ग्यारह साढ़े ग्यारह साल के थे ये इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे ये खैमे में से दौड़ते हुए निकले और जब तलवार चलने वाली थी तो उस वक्त उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए दोनों हाथ कट गए और इस तरह से मौल्लक हो गए इमाम हुसैन अब शहीद होने वाले हज़रत अली असगर की शहादत हो चुकी है इमाम हुसैन ने उस वक्त जब बिल्कुल बेहोश होने वाले थे इस बच्चे को अपनी आगोश में लिया बीबियों ने रोकना चाहा वो रोक ना सकी और हज़रत जैनब ने एक जुमला कहा इनकी शहादत के बाद लई तल मौतोदबनीकाश मौत मुझे ख़त्म कर चुकी होती और ये मंजर ना देखती ये जुमला जनाब जैनब सलाम ने किसी के लिए नहीं कहा शायद शायद हम कह रहे मुमकिन है कहीं मिल जाए लेकिन इनके लिए कहा वजह यह थी कि इमाम हुसैन की जब ये आगोश में थे और अब इमाम हुसैन का सर कटने वाला है उस वक्त बिल्कुल हरमला ने तीर मारा और ये इमाम हुसैन की आगोश में बच्चा शहीद हुआ इनका नाम था अब्दुल्ला इबन हसन फिर एक जख्मी हुए कि जो बाद में बच गए और एक उनके रिश्तेदार ने बैदुल्ला अबिन जिया से सिफारिश करके बचा लिया और बचाने वाले का नाम था असमा इब्ने खारजा और उसने बचाया जनाब हसन बिन हसन को हसन बिन हसन 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 तब अब हसन बिन हसन की जगह कह दिया जाता है हसन मुसन्ना तो ये चार बच्चे इमाम हुसैन पे से कुर्बान हुए कि जिनमें से एक बच गए और जनाब कासम से पहले जनाब अबू बकर गए वो बड़े बेटे थे और उनकी भी शजात का यही आलम था कि एक वक्त आया कि माँ ने तैयार किया एक वक्त आया कि इमाम हुसैन ऐसी मजलूमियत के आलम में है कि जिसके लिए इमाम हसन ने फरमाया था ला योम का योम का या ऐ हुसैन जैसी मजलूमियत का दिन तुम्हारा होगा ऐसा किसी का नहीं होगा अजरक़ुम एक वक्त आया कि जनाब अबू बकर इमाम हसन आगे बढ़े अपने जत की तरफ दावत दी अपने चचा इमाम हुसैन इमाम वक्त की जानब दावत दी फिर एक वक्त आया कि हर जानब से घेरा गया और एक वक्त आया कि रन में वही निदा गूंजी कि जो हर शहीद की निदा गूंजी अलैका या अब अब्दुल्ल के खुदा करे कि जब हमारा भी दम निकल रहा हो अगर ज़बान भी चलने के काबिल ना हो तो कम से कम दिल की गहराइयों से यही सलाम निकले, अस्सलाम अलैका या अब अब्दुल्ल अजरकुम रखो अब एक वक्त आया कि शब आशूर है बीबियाँ बच्चों को तैयार कर रही हैं इमाम हसन की जोजा कभी जनाब कासिम को तैयार करती हैं तो कभी जनाब अबू बकर को तैयार करती हैं तो कभी जनाब हसन मुसन्ना को उनकी वालदा तैयार कर रही हैं लेकिन शायद अब्दुल्ला की माँ का तो गुमान भी ना हो कि कल ये भी कत्ल हो जाएगा और ये ऐसा कत्ल होगा बच्चा कि हुसैन की मजलूमियत की गवाही दुश्मन भी देंगे अब इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा के जो रात को बेचैन है कि क्या कल सुबह मैं भी शहीद होऊंगा क्या कल मेरी भी बारी आएगी और बच्चे का गुमान ये है कि मुझे मेरे चचा जाने नहीं देंगे तब यहाँ पर बयान हुआ कि कभी माँ को वसीला करार दिया और जगह मकातल में बयान हुआ कि परेशान हो के उन्हें एक वसीयत याद आई थी कि जब कमसन थे कि इमाम हसन ने एक तावीज़ बांधा था कहा था जब परेशान हो तो ये खोल लेना अब यह ज़बान हाल के तौर पर है या तारीख़ के तौर पर अब वो ख़त लेकर इमाम के पास पहुँचे कि ये मेरा परेशानी का वक्त है बस मुझे ये परेशानी है कि कल ऐसा ना हो कि मैं अशरफुल अशरफुलंबिया के फर्जंद के दिफा करने वालों में से ना हूँ अब एक वक्त आया कि इमाम हुसैन ने सवाल किया कि तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है तो वह बच्चा कहता है कई फाइंदक मौत तो इमाम हसन के इस शेर ने जवाब दिया अहला मिनल असल से ज्यादा शेरी है अब एक वक्त आया कि असर आशूर माँ ने भी किया और ये बेटा अपने बाप से मिलने के लिए बेचैन है अपने जद रसूल अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन है और इमाम हुसैन ने इसको सवार किया हमीद इबन मुस्लिम या हमैद इबन मुस्लिम ने नकल किया कि मैं क्या देखता हूँ कि खैमे से एक जवान निकला अब ये जहन में रहे कि तेरह साल की उम्र में बच्चों का कद अच्छा खासा बड़ा हो जाता है तो जिसम जिसामत में और कद में तो हजरत कासिम बड़े ही थे लेकिन चेहरा क्योंकि बच्चों वाला था तो इमाम हुसैन के लिए फरमाते हैं हमीद अबन उमैद अबन मुस्लिम या हमीद अबन मुस्लिम कि मैंने क्या देखा कि हुसैन के खैमे से एक जवान निकला कि जो आधे चांद की तरह से था आधा चांद और आधे चांद से मुराद यह थी कि हुसैन ने अपने हाथ से उसका चेहरा छुपा दिया था और वजह यह बयान की गई जगह तारीख़ में कि इमाम ये चाहते थे कि कहीं चेहरा देख कर दुश्मन जरी ना हो जाए लेकिन जनाब कासिम ने वो जलवा दिखाया कि जो जलवा सिफीन में इमाम हसन का था या खैबर में मौला अमीरमिन का था और हर जानब से निदा बुलंद होने लगी और इतने में एक शख्स ने कहा कि अगर इसकी माँ इसके गम में ना रोए तो मेरा नाम नहीं तो हमीद इबन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने कहा कि इतने लोगों ने मुहासरा कर लिया है यही काफ़ी है तुम क्यों के बढ़ना चाहते हो एक वक्त आया कि जनाब कासिम ने हमला किया कभी यहां की फौज को उस जानब कर दिया उस को को फौज दूसरी कर दिया और इस दौरान अलामान की निदाय बुलंद होने लगी इस जवान ने लगीका खैर याद दिला दिया मारका सफदर याद दिला दिया मारका हसन याद दिला दिया एक वक्त आया कि हमीद इबन मुस्लिम कहते हैं कि मैं नहीं भूलूंगा कि इस जवान के जूते का तस्मा खुल गया और मैं भुला नहीं पाऊंगा कि वो दायने पाओं का था और ये जवान उस तस्मे को बांधने के लिए झुका और जैसे ही झुका तो एक जानब से नेजा चला इस नेजे का लगना था कि ये जवान अब घोड़े पे संभल ना पाया जमीन करबला पर आया रन में के निदा गूंजी का याबाबुल्लाई का यबना या रसूल इस निदा का बुलंद होना था कि मकातिल में बयान हुआ कि इमाम हुसैन अपनी जगह से उठे और इतनी शिद्दत से हमला किया कि, मकातल में बयान हुआ कि जिस से तो कासिम का लाशा पामान हो गया इमाम जनाब का सिरहाने पहुंचे और एक जुमला कहा कि एक बड़ा सख्त है कि तुम अपने चचा को बुलाओ तो वो आ ना सके और आज जाए तो कुछ मदद ना कर सके Qasim का दम निकल गया बस मसाएब खत्म हो गए अब हुसैन ने अपना सीना Qasim के सीने पे रखा Qasim के जनाजे को उठाना शुरू किया मकातिल में बयान हुआ दोनों के सीने आपस में मिले हुए थे इमाम हुसैन ने सीना अपना Qasim के सीने से मिलाया और उल्टे कदमों चलना शुरू हुए और जमीन पे Qasim के खत Qasim के पांव खत के रहे थे बाद जगह मकातल में बयान हुआ कि जब घोड़ों ने कासिम के लाशे को पामाल किया तो जोड़-जोड़ से अलग हो गया जमीन पे कदमों के निशान खींचने लगे इतने में इमाम ने कहा कि एक चादर लाओ और उसके बाद फरमाया ए को मेलल फसाद अपने भाई के जनाजे को खयमे की जानिब ले जाओ लेकिन दिल ये कहता है ए जनाब زینب आप तो अपने भाई के हसन के जिगर के टुकड़े ना देख सकी मकतल में बयान हुआ एक वो वक्त था कि जब जनाब जैनब इमाम की जियारत के लिए गई तो जनाब इमाम और 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 मेरे जिगर के टुकड़े हैं कई जैनब की निगाह न पड़ जाए बस मसायब खत्म हो गए या इमे हसन आप अपने जिगर के टुकड़े छुपा रहे लेकिन करवाला के मैदान में आपका जिगर का टुकड़ा कासेम इस आलम में है कि लाशा पामाल हो गया जसम के टुकड़े टुकड़े हो गए